गांव की भी पाइपलाइन फूट गई, अब तो पूरे देश की पानी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर मेरी सांस भी डरावनी निकली तो मेरे तो छक्के छूट जाएंगे। ओ ये शानदार छक्का! एक सांस भाव के बीच में ये क्रिकेट मैच कर गया। अरे इतना क्यों रो रही हो? घर पे प्याज के पकौड़े बन रहे हैं क्या? और ये आउट! मेरा रिमोट यहाँ से किसने आउट किया? हमने लिया। घर के कोई भी चीज हो सबका बराबर का हक बनता है। पर्सनल लोन लेके मैंने पर्सनल यूज के लिए टीवी खरीदा है, इस पे सिर्फ मेरा हक है। अरे डॉगी डॉग, इतना पर्सनल मुझे पर्सनल नहीं रिमोट चाहिए। अरे मेरा सीरियल निकला जा रहा है, मैं तुम्हें चिकन 420 खिलाऊंगा, मेरा रिमोट मुझे दे दो प्लीज। ओके तो ले लो। अरे बाप रे, ये रिमोट तो बटरफ्लाई की तरह डॉगी डॉन के हाथ ही नहीं आ रहा है। अच्छा है। जल्दी मुझे रिमोट दे दो प्लीज, वरना ये बहु बूढ़ी होकर सांस हो जाएगी। ले लो। थैंक यू। रिमोट की जगह रिमोट बम। अच्छा है। समर सीजन में स्प्रिंग निकल आए। यही है तुम्हारे लिए सेफ जगह। ये देखो तिजोरी में कल तक ठंडी भी नहीं रखने वाला, आज रिमोट रख रहा है। अच्छा है। धान का रिमोट चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हमारे डिक्शनरी में नामुमकिन है नहीं। इसे फेयर एंड हैंडसम दे दो। मैंने हिस्ट्री चैनल पर देखा था कि बड़े बड़े राजा महाराजा सोना चांदी जमीन के अंदर छुपाते थे। मेरा रिमोट भी सोने से कम थोड़ी है, इसे भी मैं जमीन के अंदर छुपाऊंगा। क्या बात है डॉगी डॉन, छुपाने का तरीका वही, सोच नहीं। आ जाओ मेरी सोना चांदी। अरे डॉगी डॉन, गड्ढा खोदना था तो हमें ही बोल देते, इसमें तो हम प्रोफेशनल है। मेरा रिमोट, रिमोट तो इनके पास है। सुबह से यहाँ वहाँ भाग कर कुछ पतला हो गया है। बस इट्स टाइम फॉर एक्शन। ओके। इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग। अच्छा है। मोटे रोज तो नॉन वेज खाते हो, आज फिंगर चिप्स क्यों खा रहे हो? फिंगर भी तो नॉन वेज है। डॉन, अगर टेढ़ी उंगली से रिमोट ना मिले तो उसे पूरे हाथ से उठा लेना चाहिए। ये आ गए मेरी फेवरेट बहू, अब अगर मैं भी जाऊँ तब भी चैनल चेंज नहीं हो सकता। बेटा, रिमोट को कौन कंट्रोल कर रहा है? कुछ भी हो, ये शो टीवी शो से ज्यादा अच्छा है। सबके पेट में चूहे दौड़ते हैं, इसके पेट में रिमोट दौड़ रहा है। अच्छा है। फेवरेट चैनल कहाँ चला गया? ये रहा। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, ऐसे कैसे हो गया? चूहों ने मेरा सीरियल ही मिस करा दिया। डॉन्ट वरी, ये दिन में 5 बार रिपीट होता है। अब थोड़ा आराम कर ले। चलो अब मिशन इम्पॉसिबल शुरू करते हैं। बस ये कौन सी गली है? ये गली नहीं ना। इंटीरियर डिजाइनिंग के सामने तो बॉलीवुड सेट भी फ्लॉप है भाई। शट अप, रिमोट ढूंढो। अरे मोटे, तुझे एक बात बताना भूल ही गया। एक बार कर्नल बारिश में छेद वाला छाता लेकर जा रहा था। मैंने पूछा छेद वाला छाता क्यों ले जा रहे हो, तो बोला बारिश बंद हो जाएगी तो पता कैसे चलेगा। कोहिनूर हीरा? अरे हीरा छेड़, रिमोट ढूंढ। रिमोट मिल गया। चलते चलते बॉस, मुझे बहुत भूख लगी है। बॉस यहाँ देखो, डॉगी डॉन ने जरूर कुछ छुपा कर रखा है। मेरे पेट में हो क्या रहा है? खुल जाओ सेम सेम। अरे बाप रे, ये गैस चैम्बर तो 20 साल पुराना लग रहा है। मैंने तो रिमोट खाया था, मोबाइल कैसे बज रहा है? इस गैस को थोड़ा आसान है। बस एक ही गोली का पराठा खाया था, इतनी गैस कैसे बन गई? बस हम तो गैस के चक्कर में रास्ता भटक गए। हम क्या करें बॉस? टेंशन मत लो, सोचने दो। आइडिया। मैदान साफ है, निकल लो।
होल ने डॉगी डॉन का कर दिया बुरा हाल। अच्छा है, मैं जब भी मैच देखता हूँ इंडिया हमेशा जीतती है। अरे ऐसा क्या हो गया? देखना होगा। नो रिएक्शन। बॉस इस कहते मैंने भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है अब मैन्युअली कुछ करना पड़ेगा रे पापा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब जाओ, थोड़ा मरहम लगा क्या? अब मुझे टीवी देखने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। पहले इस काउंटडाउन को रोक लो, वरना बहुत भारी पड़ेगा। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। अच्छा है। ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया? जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ हमारा ब्लू डॉट कॉरियर पहुँच जाता है। ये लो तुम्हारे लिए पार्सल। मेरे लिए? थैंक यू। क्या है? माइंड ब्लोइंग जोक्स। एंजॉय डॉगी डॉन। थैंक यू।